फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ फिंगर सैंडविचेस। ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। जितनी ये इजी और क्विक है, उतनी ही खाने में टेस्टी और देखने में इंटरेस्टिंग भी है। शाम को चाय के साथ या बच्चे जब थोड़े बहुत चीज़ें मांगते हैं कि कुछ मम्मा भूख लगी है बना दो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ये जानने के लिए कि इन फिंगर सैंडविचेस को मैंने कैसे और किन किन चीज़ों से बनाया है। और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं फिंगर सैंडविचेस। फिंगर सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 चम्मच वेज मेयोनीज लिए, आधी गाजर ग्रेट की हुई कद्दूकस की हुई, आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 खीरा ऐसे गोल काट लिया है, इसके साइड्स निकाले नहीं हैं, काली मिर्च पिसी हुई, मिक्स हर्ब्स, नमक और 2 स्लाइस यानी 2 पीस ब्रेड। तो शुरू करते हैं। मेयोनीज में डालेंगे ग्रेट की हुई गाजर, शिमला मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च 1/4 चम्मच, मिक्स हर्ब्स 1/2 चम्मच और इन सबको मिक्स करें। मेयोनीज मिक्स हो चुकी है, ब्रेड लेंगे और इसके साइड्स कट कर देंगे। ब्रेड में अब बटर स्प्रेड करेंगे। ब्रेड जो बटर है उसको रूम टेम्परेचर पे हल्का सा मेल्ट कर लीजिएगा, ताकि स्प्रेड अच्छे से हो जाए। दोनों ही स्लाइसेस पे बटर को अच्छे से लगा लें। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। बच्चे जब बोलते हैं कुछ खाने के लिए चाहिए इवनिंग में लाइट स्नैक्स, या चाय के साथ भी आप खा सकते हैं। अब हम इस पे स्प्रेड करेंगे मेयोनीज। इस तरीके से अब हम इसमें रखेंगे खीरा, कवर करेंगे और 20 से इसके स्लाइस करेंगे। इस तरीके से पीसेस काट के 4 पीस कर लिए। अब हम इसको ऊपर से डेकोरेट करेंगे। ये देखिए हमारे फिंगर सैंडविच रेडी हैं। तो है ना, ये बहुत क्विक और इजी रेसिपी। जितनी ये क्विक और इजी है ना, उतनी ही खाने में भी टेस्टी है। तो इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये फिंगर सैंडविचेस आपको कैसे लगे। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा।